जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एक दिनी दौरे पर बड़वानी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास की बात की तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन पर निशाना भीसा था। देखिए इस रिपोर्ट में। बड़वानी पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री सिलावट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आज जो कुछ हो रहा है उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता हूँ, वो भी भाजपा कार्यकर्ता है। डिनर पॉलिटिक्स क्या है? के आप बोलो, हम भाजपा के संस्कार, भाजपा की संस्कृति, मैं आप बोलता हूँ ना, वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण था, यहाँ मेरा संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन के दिग्विजय सिंह का आरोप है कि अंतिम पंक्ति में महाराज बैठ रहे हैं, कांग्रेस में तो प्रथम पंक्ति, उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आज जो कुछ हो रहा है उनके आशीर्वाद से ही हो रहा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बड़वानी में क्या सौगात दी जा सकती है, इस बारे में अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया गया है। उन्होंने तालाबों के सौंदर्यकरण व तालाबों के अतिक्रमण हटाने की बात भी कही। नहरों को लेकर सारे अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनका मिलाप हो तो हम समग्र विकास की बात सोच सकते हैं। सम्मानित मंत्री जी मेरे साथ हैं, संगठन मेरे साथ है। बड़वानी को मैंने निर्देश दिए सारे अधिकारियों को, कौन सी नई सौगात, कौन सी नई योजना हम दे सकते हैं। एक वर्षों से नर्मदा घाटी की योजना जो पड़ी है उसको लोर गई और वो जो हम बोलते हैं कि बड़वानी की, वो विकास और प्रगति की नींव की पत्थर साबित होगी, उसको पूरा करने का प्रयास मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात करूंगा, सांसद से बात करूंगा और हम लोग मंत्री जी के साथ, संगठन के साथ जाकर बात करेंगे। बहरहाल देखा जाए तो जल संसाधन मंत्री ने बड़वानी में विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। एमपी न्यूज के लिए तरुण जैमन की रिपोर्ट।